दोस्तों ये है नोकिया का लेजेंडरी फोन नोकिया 3310 जो आज दोबारा लॉन्च हो चुका है। नोकिया दोस्तों वापस सामने लेके आ चुका है फोन को सेम नाम से अलग नए अवतार में। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे नोकिया 3310 के बारे में बात करने वाला हूं, बताऊंगा कि नए वाले फोन में क्या खास है क्या खास नहीं है और क्या बेसिक स्पेसिफिकेशन और मेरे ओपिनियन क्या है नोकिया 3310 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो फोन है ये जुड़ा है हम सभी के साथ में कहीं ना कहीं। शायद आपने इस फोन को खुद ने यूज किया होगा, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास में ये फोन होगा, हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के पास में होगा, आपके किसी रिलेटिव के पास में होगा। और मतलब कुछ ना कुछ तो कहानियां जरूर हैं नोकिया 3310 के साथ में जो 17 साल पहले लॉन्च हुआ था। दोस्तों नोकिया ने सेम नाम से एक फोन दोबारा लॉन्च किया है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे लीक्स आ रहे थे। जो एंड्रॉयड वाले थे वो तो भूल ही जाओ, वैसा फोन तो हुआ नहीं। उसके अलावा दोस्तों सोच रहे थे कि फोन काफी कमाल का होगा, 4G होगा फोन में आपको वोल्टी देखने को मिलेगा, फोन में टीवी, फोन में फ्रिज, फोन में वॉशिंग मशीन। अब वो तो हुआ नहीं दोस्तों। यहां पे नोकिया ने लॉन्च कर दिया है एक बेसिक फीचर फोन, कुछ मामलों में इससे मिलता जुलता है, कुछ मामलों में जो डिजाइन है वो आपको देखने को लगता है कि सिमिलर है, कुछ मामलों में बिल्कुल अलग है। दोस्तों यहां पे आपको उस फोन में मिलता है 2.4 इंचेस का एक QVGA स्क्रीन। जो बैटरी है वो बोलते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है, करीब 22 घंटे का टॉक टाइम और 31 दिनों का स्टैंड बाय टाइम दोस्तों आपको मिलेगा उस फोन के साथ में। यहां पे फोन में नहीं तो 3G है, नहीं 4G है, नहीं वोल्टी है, आपको मिलेगी बेसिक 2G कनेक्टिविटी। आप इंटरनल मेमोरी जो है 16 MB की यूज करें तो अलग बात है, वरना आप चाहें तो मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं 32 GB तक का, जहां पे आप इसको बेसिक म्यूजिक प्लेबैक वगैरह के लिए काम में ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में मिलेगा 2 MP का एक रियर कैमरा और अलग अलग फंकी कलर्स हैं यहां पे, रेड है, येलो है और ग्रे वगैरह। तो बस दोस्तों यही कंप्लीट कहानी है नोकिया 3310 की। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी वो डेफिनेटली, मतलब कुछ तो एकदम मजाक ही था, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि मतलब जस्टिस हो पाया है। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन ये ना हो, मैं इस मामले में कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। भाई नोकिया ने अपना अच्छा सोच समझ के फैसला लिया होगा, लेकिन पर्सनली इतना सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाया उस फोन को देख के। जो प्राइस दोस्तों यहां पे होने वाली है वो होगी करीब 4000 रुपए के आसपास। तो ऐसे में एक सेकेंडरी फोन अगर आपको चाहिए और एक नोकिया ब्रांड का चाहिए, अगर आपको बेसिक एक फीचर फोन चाहिए, अगर आपको 1-2 दिन वाला कीपैड जो है वो हजम हो जाता है, तो आप उस फोन को ले सकते हैं। वैसे मैं भी इस फोन को भी फोन की तरह यूज कर रहा हूं, फर्स्ट क्लास काम करता है, बैटरी लाइफ बहुत ही लंबी है। कभी अगर ऑड आवर्स में मेरे मेन फोन की बैटरी डेड हो जाती है तो इससे मैं कॉल्स वगैरह कर सकता हूं बड़े आराम से, तो वो तो काफी अच्छी बात है। लेकिन रेट्रो फील ना शायद आपको उस फोन में उतनी ना मिले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही है, देखने लगे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे नोकिया 3310 के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है, क्या आप उस फोन को लेंगे या नहीं, या लेने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी कहीं ऑर्डर प्लेस तो नहीं कर दिया आपने कहीं से एडवांस में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने लगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।